न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बावल विधानसभा सीट से दो बार किस्मत आजमा चुके जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव एडवोकेट श्याम सुंदर सब्रवाल ने आज तीसरी बार चुनावी ताल ठोंकते हुए बावल के विधायक और प्रदेश के सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर जोरदार जुबानी हमला बोला और कहा कि बावल की जनता मंत्री बनवारी लाल से पूरी तरह खफा हो चली है और अब वह दिन दूर नहीं जब बावल विधानसभा सीट जननायक जनता पार्टी के खाते में जाएगी और जेजेपी का उम्मीदवार ही इस सीट से चुनाव लड़ेगा। श्याम सुंदर सब्रवाल आज नए साल के उपलक्ष्य में अपने निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से रूबरू होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सब्रवाल यही नहीं रुके, रेवाड़ी के गांव माजरा में प्रस्तावित स्वास्थ्य की महत्वाकांक्षी परियोजना एम्स को लेकर उन्होंने कहा कि इस योजना को सिरे चढ़ाने में भी सहकारिता मंत्री का नकारात्मक रवैया रहा है। क्षेत्र की जनता और एम्स संघर्ष समिति की बदौलत ही यह परियोजना सिरे चढ़ पाई है। उन्होंने कहा कि उंगली कटवाकर शहीद होना चाहती है एम्स संघर्ष समिति वाला बयान देकर सहकारिता मंत्री ने इलाके के बुजुर्ग का अपमान किया है। मंत्री के इस बयान से क्षेत्र की जनता बेहद खफा है जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंत्री का विरोध तो पिछले चुनाव में भी हुआ था लेकिन न जाने किस कारण से उन्हें टिकट मिल गई। जेजेपी से टिकट को लेकर सब्रवाल पूरी तरह अस्वस्थ नजर आए। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर सब्रवाल ने कहा कि गठबंधन का फैसला दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, फिर भी उनका दावा है कि ये सीट जेजेपी के खाते में ही आएगी। इनेलो और जेजेपी के एक होने के सवाल पर सब्रवाल ने कहा कि जल और कुल को मिलते देर नहीं लगती और यदि परिवार एक होता है तो इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। कार्यकर्ताओं से मीटिंग के दौरान उन्होंने बावल हल्के को 60 जोन में बांटते हुए 3 गांव पर एक जोन प्रभारी नियुक्त कर दिया और कार्यकर्ताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है, इसलिए सभी कार्यकर्ता हर दिन फील्ड में जाकर लोगों में पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें ताकि संगठन को मजबूती मिल सके। अब जेजेपी भाजपा गठबंधन को लेकर शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस बेबाकी के साथ सब्रवाल जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं उससे यह कहने में जरा गुरेज नहीं किया जा सकता कि आगामी विधानसभा चुनाव में बावल सीट पर एक अलग ही हलचल देखने को मिल सकती है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। प्रधान जी आज मीटिंग की है बावल हल्का के कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कहें? आज नव वर्ष 2024 की मधुर बेला में अपने साथियों को नव वर्ष की मुबारकबाद देने के लिए और मात्र 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव घोषणा होने वाले हैं और उसके 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव, इन विधानसभा और लोकसभा चुनावों के रणनीति बनाने के लिए हमने पूरे बावल विधानसभा क्षेत्र को 60 जोनों में बांटा है और 3-3 गांव का जोन बना करके उन पर जोन प्रभारी नियुक्त किए हैं और कार्यकर्ताओं को साथियों को ये जिम्मेवारी दे दी गई है कि विधानसभा चुनाव तक सुबह से शाम तक प्रतिदिन फील्ड में जा करके काम करें ताकि संगठन मजबूत हो और आने वाला समय हमारा हो। विधानसभा चुनाव में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, तैयारियों की बात कर लें, लोकसभा पहले हैं विधानसभा बाद में, क्या कुछ रणनीति नई बनाई गई है? हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र को 60 जोन में बांट दिया और 3-3 गांवों के ऊपर हमने जोन प्रभारी लगा दिए हैं और उनको जिम्मेवारी दे दी गई है कि एक व्यक्ति अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता और सभी एकजुट होकर के अपनी जिम्मेवारी निभा करके और विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी का प्रचार करें। सब्रवाल जी बात करें गठबंधन की तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहेगा? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी बहुत अच्छे से प्रदेश में सरकार चला रही है और गठबंधन का फैसला दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और उम्मीद करते हैं कि गठबंधन बरकरार रहेगा। आप तैयारी कर रहे हैं विधायक की, लेकिन अगर गठबंधन बरकरार रहता है और बावल विधानसभा की सीट बीजेपी के खाते में चली जाती है तो क्या फिर भी आप इसी तरह मेहनत करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सोच है कि एंटी इनकम्बेंसी
पार्टी की नहीं व्यक्ति की होती है। आपने 2019 का चुनाव भी देखा, 2019 के चुनाव में जिस तरह माननीय मंत्री का क्षेत्र में विरोध था, कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से उनको फिर टिकट मिल गई, और इस बार क्षेत्र की जनता पूर्णतः उनके खिलाफ है और बावल की सीट जेजेपी के खाते में आएगी और जेजेपी बावल से चुनाव लड़ेगी। लेकिन बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, बनवारी लाल जी, वो तो कहते हैं मैंने बहुत काम करवाया, मैं तो बिल्कुल आराम से ये सीट जीत जाऊंगा। बावल क्षेत्र की एक महत्वाकांक्षा परियोजना थी एम्स। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बावल की रैली में एम्स की घोषणा की थी, और उस एम्स के प्रति जो नकारात्मक रवैया माननीय मंत्री जी का रहा कि एम्स संघर्ष समिति जिसने 129 दिन पहले धरना दिया, अब 96-97 दिन अब हो गए और क्षेत्र की जनता ने संघर्ष किया, उसकी बदौलत एम्स की बात सिरे चढ़ी। माननीय मंत्री जी का ये कहना कि एम्स संघर्ष समिति उंगली कटवा करके शहीद होना चाहती है, इस एम्स के संघर्ष में मनेठी से लेकर के रेवाड़ी तक 80 साल की बुजुर्ग महिला ने भी पैदल मार्च में अपना योगदान दिया, ये बात कह करके उस बुजुर्ग माता का अपमान माननीय मंत्री जी ने किया है, जो क्षेत्र की जनता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी और विधानसभा चुनाव में उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसके अलावा ये कहना कि 10 लाख की जमीन के 40 लाख रुपए सरकार ने दे दिए और एम्स कोई हथेड़ी पे नहीं बनता, इससे ये साबित होता है कि माननीय मंत्री जी का रवैया क्या एम्स के प्रति सकारात्मक था या नकारात्मक था। पूरी तरह क्षेत्र की जनता खफा है और ये आपको जल्दी ही इसका परिणाम मिल जाएगा। बावल से पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल भी एक्टिव हो रहे हैं, आप किस तरह देखो, वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं जेजेपी। आज पार्टी के हर साथी और कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि वो पार्टी को मजबूत करें। टिकट का फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है, जो वो फैसला करेंगे वो हमें मान्य होगा। कितने आसपास थे टिकट को लेकर? टिकट तो 2014 का चुनाव था, मुझे 75 दिन पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने टिकट देकर के आशीर्वाद दिया। 2019 का चुनाव था, जो हरियाणा की पहली सूची जननायक जनता पार्टी ने घोषणा की थी, जारी की थी, उसमें दूसरा नंबर था। तो हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य है उसके प्रति समर्पित भाव से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बाकी जो फैसला पार्टी हाईकमान करेगी हमें स्वीकार होगा। एक अग्रवाल जी, आखिरी सवाल की क्या लगता है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल फिर से? आप पूरी तरह वाकिफ हो कि जल और कुल को मिलते हुए कोई देर नहीं लगती। राजनीति ठीक है कि हम लोग राजनीतिक हैं, लेकिन राजनीतिक से पहले सामाजिकता आता है। अगर सामाजिकता के नाते अगर परिवार एक होता तो हमें बहुत खुशी होगी। बावल में विकास कार्यों की बात करें तो आप किस तरह देखते हैं, कितना विकास कार्य है, कितना नहीं? माननीय मंत्री जी के प्रयासों से तो कोई एक ईंट भी नहीं लगी। ये आप जड़थल का ले लो या इधर खोड़ ब्लॉक की ले लो, यहाँ के लोग इस बात को कहते हैं कि एक ईंट भी नहीं लगी। और उधर खोड़ ब्लॉक में जब जाते हैं तो दो चार बावल ब्लॉक के लोगों को बैठा करके ले जाते हैं, उनके पास कार्यकर्ता और साथी नहीं है। तो विकास के नाम पे तो इस जो टेन्योर रहा मंत्री जी का, इसमें बावल पिछड़ा है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन में भी है और बीजेपी की टांग खिंचाई भी कर रहे हैं? नहीं, हम बीजेपी की टांग खिंचाई नहीं कर रहे हैं, हम जो हकीकत है वो हकीकत आपके सामने बता रहे हैं। सरकार तो आपके जिम्मेदार कौन है इसमें, सरकार तो आपकी भी है। नहीं, हमने हमारे प्रयासों से काम हुए भी हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, हमारे अब यहाँ देखिए रेवाड़ी के अंबेडकर चौक का जो जीर्णोद्धार हुआ वो हमारे प्रयास से हुआ, जो स्टैचू लगी वो हमारे प्रयास से हुआ। धारवेड़ा के अंदर अंबेडकर पार्क का जो जीर्णोद्धार हुआ वो हमारे प्रयासों से हुआ। जाट समाज की जो धर्मशाला थी उसमें 42 लाख रुपये थी, वो दुष्यंत जी के चौटालों के प्रयास से हुई। इसके अलावा ये जो एक्साइज टैक्सेशन की बिल्डिंग बन रही है, हमारे पार्टी के प्रयासों से हुई। तो हमारे प्रयासों से काम हुए, ना कि माननीय जो बावल के मंत्री उनके प्रयासों से कोई काम हुआ।